हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई एंटिसिपेट यू आर डूइंग वेल। नाउ मूव ऑन दी वन ऑफ दी बेस्ट टॉपिक। आई थिंक वी लर्निंग टुडे आई यूज टू। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आई यूज टू? आई यूज टू का क्या मतलब होता है, उसे कैसे इस्तेमाल करेंगे? जस्ट सी दैट आई यूज टू का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे कि आई यूज टू को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ये देख ले। इट्स अ बेसिक थिंग, बट इफ यू डोंट नो व्हाट इज यूज ऑफ यूज टू, प्लीज सी द वीडियो अप टू एंड, अदरवाइज यू विल बी लूज समथिंग paramount information. Now move on the, this is a example. This is the exercise. Complete the sentence you use to present simple. I play, he lives. This is a book. Now this is an essential book, English grammar. You can purchase it. Move on the notebook. First one is an example. I work in a supermarket. I used to work in a factory. इसका मतलब ये है कि ये जो है ना, आई वर्क इन अ सुपर मार्केट, यानी मैं अभी जो है प्रेजेंट में क्या काम करता हूँ, सुपर मार्केट में काम करता हूँ अभी प्रेजेंट में। और आई यूज टू वर्क इन अ फैक्ट्री, यानी मैं पहले सुपर मार्केट में, मैं पहले फैक्ट्री में काम करता था। आई यूज टू वर्क इन अ फैक्ट्री, यानी ये हो गया पास्ट। समझ आ गई है? इसका इजी मतलब है, इजी इसका मीनिंग ये होता है, इसको पास्ट में इस्तेमाल करना है आपने। इट्स इजी। नाउ मूव ऑन दी आई यूज टू को पास्ट में इस्तेमाल किया जाता है, बट देखिए, जुनेद यूज टू वर्क इन अ फैक्ट्री, नाउ ही वर्क्स इन ए सुपर मार्केट। यहाँ जो था, तो मैं पहले सुपर मार्केट में काम करता था, फिर फैक्ट्री में काम करता हूँ। जहाँ भी आपने यूज टू को देखा है ना, तो समझ लेते ये हो रही है बात भाई पास्ट की। किसकी बात हो रही है? पास्ट की। जुनेद यूज टू वर्क इन अ फैक्ट्री, यानी जुनेद जो है फैक्ट्री में काम करता था। नाउ ही वर्क्स इन ए सुपर मार्केट, तो अब जो है वो सुपरमार्केट में काम करता है। देखिए यहाँ समझ ले, एक बात समझ ले, ही यूज टू वर्क यानी पास्ट, ही वर्क्स यानी नाउ। नाउ यू कैन सी दिस इज़ अ सिंपल थिंग, यू जस्ट नोट दिस। यूज टू मीन्स पास्ट। यू कैन सी आई यूज टू वर्क, ये तो आप जानते भी होंगे। यू आर फैमिलियर विद दैट, दिस इज़ अ बेसिक थिंग। आई यू दे ही से इट यूज टू को सब इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज टू को सबके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए यहाँ मैं एक सेंटेंस बना रहा हूँ, आई यूज टू वॉक आई यूज टू प्ले। सो नाउ मूव ऑन दी अनदर एग्जांपल। व्हेन आई वाज चाइल्ड I used to like chocolate. When I was a child, I used to like chocolate. यानी जब मैं छोटा था, ये तो आपको समझ में आ गया। I was यानी पास्ट की बात हो रही, I used to आपको समझ में नहीं आ रहा इतना जल्दी कि I used to भी क्या है, पास्ट की बात है। I used to like a chocolate, ये समझ लेता है। तो एक कॉमन सा बंदा, कॉमन सेंस अगर आप में है ना, तो आप समझ लोगे कि पास की बात है।
क्योंकि यहाँ चाइल्ड है और चाइल्ड बच्चे चॉकलेट खाते हैं ज़्यादातर। व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड आई यूज टू लाइक अ चॉकलेट, यानी ये पास्ट की बात हो गई, आई यूज टू आया नाउ नाउ जस्ट सी द एग्जाम्पल, दे यूज टू लिव इन द सेम स्ट्रीट एज अस, सो वी ऑफन यूज टू सी दैम बट वी डिड नॉट, वी डोंट सी दैम वेरी ऑफन दिस डे। दे यूज टू लिव, क्या कहते हैं, दे यूज टू लिव इन द सेम स्ट्रीट अस, यानी वो भी वहीं रहते हैं जहाँ हम रहते हैं, तो हम उनको ज़्यादातर देखते थे पर अब नहीं मिलते। हमें इससे मतलब नहीं है कि मिलते हैं नहीं नहीं मिलते, हमें मतलब जो है इसके है कि आई यूज टू का इस्तेमाल कैसे करना है। आई यूज टू देख लें, अब देखें जाबिर, जाबिर जो है यूज टू हैव अ पियानो बट सी सोल्ड इट अ फ्यू ईयर्स एगो। जाबिर के पास जो है पियानो था, तो वो क्या करता था उससे, पियानो से, वो तो पियानो आप जानते हैं संगीत वाला। जाबिर यूज टू पियानो बट सी सोल्ड इट अ फ्यू ईयर्स एगो, उसने वो पियानो बेच दिया, यानी यूज टू का इस्तेमाल यहाँ भी हो गया। अब देखें एक एक और एग्जांपल देख ले, द नेगेटिव में इसका कैसे इस्तेमाल करना है, द नेगेटिव इज आई डिडंट यूज़। अब देखें ये सेंटेंस जो है ना, ये क्वेश्चन वाला है, इसको ना देखें, पहले इसको देखें। व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड आई डिड नॉट यूज टू लाइक टोमेटोज। अब देखें यहाँ है ना एक बात समझ में ना वाली है कि आई डिड नॉट यूज़, यहाँ यूज़ आया है, यूज़ ई डी नहीं आया, यहाँ डी नहीं आया, यूज्ड यूज टू नहीं आया, यहाँ आया है यूज़ बिकॉज ऑफ, ये क्या है, डिड नॉट है, और डिड के पीछे क्या आता है, यूज ही आया था, बेस की फर्स्ट फॉर्म ही आई थी, ये आप जानते हैं, मैं आपको टेंसेस में पढ़ा चुका हूँ, ये चीज़ आपको मेरा ख्याल है समझ में आ गई होगी। आई डिड नॉट यूज टू लाइक टोमेटोज इफ़ यू हैव स्टिल क्वेरी प्लीज़ कमेंट डाउन, राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स। नाउ वी यूज टू ओनली फॉर द पास्ट, वी यूज टू ओनली फॉर द पास्ट, यू कैंट से आई यूज टू। देखिए यहाँ प्रेजेंट है, प्रेजेंट में आप ये इस्तेमाल नहीं कर सकते। आई यूज टू प्ले टेनिस, आई यूज टू प्ले क्रिकेट, आई यूज टू प्ले वॉलीबॉल एक्सेट्रा, आई यूज टू प्ले टेनिस, दिस डे आई प्ले गोल्फ। मैं जो है पहले टेनिस खेलता था, पहले की बातों को यूज टू, मेरी बात इतनी है कि आपको यूज टू का मतलब आ जाए, आप क्या खेलते हो, टेनिस खेलते हो नहीं खेलते हो, उसका मतलब हमारा नहीं, ठीक है। वी यूजुअली गेट अप अर्ली। ये देखिए एक एग्जांपल है, एक एग्जांपल जो अधूरा रह गया है, आई थिंक इट्स आप ये है, इसका मतलब तो बाद में जान ले, ये एकदम इजी है। वी यूजली गेट अप अर्ली, आप ये नहीं कर सकते वी यूज गेट अप टू अर्ली टू गेट अप अर्ली, सो इट्स इजी। हमें इससे अभी मतलब नहीं, ये बाद में आपको सिखा दूंगा। आप ये बता दे कि कमेंट में ये बता दे कि यूज टू का मतलब आपको समझ में नहीं आया, कि आया है या आया है तो कैसा आया, कितना आया है कितना नहीं आया। सो इट्स End of the lecture today. Now move on the next one. We will meet soon. If you have any query, write down in comment box. Channel को like कर दे, video को अगर पसंद आता है तो like करें, share करें, comment भी कर दे, और अगर आपको query है, कोई suggestion देना है तो दे दे। Now, और एक बात ये है कि आपने जो है ये वीडियो को आप शेयर करेंगे तो जो नहीं जानते वो भी इससे फ़ायदा उठाएंगे। सो शेयर दिस वीडियो, स्टे होम स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच।